प्लीज रोक कीजिए। जी सर। शुभ संध्या सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 590वें दिन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IIPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता था, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर अभिनंदन बनर्जी सर का ब्रीफ में परिचय देना चाहूंगा। डॉक्टर अभिनंदन बनर्जी फोर्थ जनरेशन ऑफ होम्योपैथ। डॉक्टर अभिनंदन बनर्जी के पिता का नाम स्वर्गीय अनूप कुमार बनर्जी है। डॉक्टर अभिनंदन ने पहली बार स्कूली शिक्षा रामकृष्ण विवेकानंद मिशन बैरकपुर पश्चिम बंगाल में शुरू की। इसके बाद उन्होंने होम्योपैथिक मेडिकल संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर वीरभूम विवेकानंद होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज अस्पताल सैंध्या वीरभूम में BHMS से डिग्री पूरी की। इसके बाद उन्होंने GD मेमोरियल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना बिहार से MD की डिग्री पूरी की। डॉक्टर अभिनंदन बनर्जी ने अपनी MD की डिग्री उत्तीर्ण की और फिर उन्होंने 9 वर्षों तक GD मेमोरियल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना और फिर वीरभूम विवेकानंद होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मेडिसिन प्रैक्टिस में व्याख्याता रहे। अब वो पश्चिम बंगाल में भाटपारा में होम्योपैथी का अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर सेमिनारों में व्याख्यान भी दिए हैं, जयपुर और पटना। आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर बी आर सानी सेमिनार उल्लेखनीय है। बचपन से ही होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से जुड़े रहने के कारण वह एक होम्योपैथ है। आज का हमारा टॉपिक है स्लीप डिसऑर्डर होम्योपैथी मैनेजमेंट। अब मैं मुख्य अतिथि से आग्रह करना चाहूंगा कि अपना व्याख्यान शुरू करें। अभिनंदन जी, यू कैन स्टार्ट योर सेशन नाउ। डॉक्टर अभिनंदन, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। हाँ, ओके सर, मेरा साउंड सुनाई आ रहा है क्लियर कट? आ रहा आ रहा। ओके, गुड इवनिंग ऑल द लिसनर्स। तो सबसे पहले मैं सर को प्रणाम करना चाहता हूँ, और जितना भी व्यूअर्स है, जितना भी ऑडियंस है, जो भी सर लोग हैं, सबको मेरा प्रणाम। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, जिस पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने के लिए मैंने सर को बोला हूँ, वो टॉपिक है, आज है स्लीप डिसऑर्डर। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्लीप डिसऑर्डर का। एंड स्लीप डिसऑर्डर एक तो ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि स्लीप जो है, ये जो नींद जो बात है, ये नींद ऑटोमेटिकली सबको अगर आ जाए तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज नींद को लेकर के किसी को उतना टेंशन भी नहीं रहता है, किसी को उतना कुछ ये भी नहीं रहता है, क्योंकि नींद ऑटोमेटिकली आता है, रोज रात को हम लोग सोते हैं। तो इसमें कैसा कोई कौन सा क्या डिसऑर्डर हो सकता है। लेकिन टॉपिक और ये मुद्दा जो है साइकेट्री का, ये बहुत इम्पोर्टेंट इस लेवल पे हो जाता है कि अगर आप रात में कोई पेशेंट आपके पास आए, बहुत सारे टाइम में ऐसा होता है कि उसका माइग्रेन का प्रॉब्लम है, उसका दूसरा कोई प्रॉब्लम है, दूसरा कोई बीमारी है, एंड सडन आप जब पूछते हैं कि वो बोलता है कि मेरा 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 6 दिन, 9 दिन से लगातार नींद नहीं आ रहा है, 2-4 महीना से नींद नहीं आ रहा है, तो ये क्रिटिकल प्रॉब्लम बन जाता है। बहुत सारे टाइम पे पेशेंट डायरेक्ट बोलता है, बहुत सारे टाइम पे क्या होता है, पेशेंट इनडायरेक्टली बोलता है कि हमको नींद नहीं आ रहा है। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर आप उस पेशेंट से मिले होंगे कि अगर उसका नींद सही तरह से आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर इस तरीके का प्रॉब्लम है, अगर लॉन्ग टाइम अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये स्लीप डिसऑर्डर एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट एक तो प्रॉब्लम बन जाता है। तो स्लीप डिसऑर्डर एक साइकेट्री का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसमें होम्योपैथी का खास तौर पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो स्लीप डिसऑर्डर को हम लोग आज पहले समझेंगे, और उसके बाद ये स्लीप डिसऑर्डर के साथ साथ जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो हम लोग डिस्कशन करना चाह रहे हैं,
वो है, जो टॉपिक है ये टॉपिक है स्लीप डिसऑर्डर का, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट सब जगह से सब में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आज आएगा एंड जो हम लोग डिस्क्रिप्शन करना चाहेंगे वो है स्लीप डिसऑर्डर। अच्छा, स्लीप डिसऑर्डर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, जो हम लोग मेनी टाइम में ये बोलते हैं कि फॉर मेनी ऑफ अस स्लीप इज द स्वीट बाम दैट सूदेस द रेस्टोर अस एंड आफ्टर लॉन्ग डे वर्क एंड प्ले। तो पूरा दिन हम लोग जो काम करते हैं, जो चीजें करते हैं, उसमें क्या होता है, जो नींद जो आता है, ये नींद हम लोग को एक तो तसल्ली देता है, एक तो रेस्ट देता है, सबको एक तो रिलैक्सेशन देता है। तो नींद एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको हम लोग बहुत अच्छे से इस चीज को कर सकते हैं। और नींद के बाद क्या होता है कि सब लोग पूरा दिन का जितना भी मेंटल थकान हो, मेंटल टेंशन हो, उसको ये लोग रिलीज कर सकता है, इसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बट ये जो नींद है, ये जो नींद होता है, ये नींद में क्या होता है, बहुत सारा छोटी 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 घटना है जो कंटिन्यूअसली एकदम पूरा एकदम घटता है कंटिन्यूअसली। ये जो प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये जो नींद में क्या क्या चीजें चलता है, ये बहुत हम लोगों को, बहुत लोगों को आरके नहीं पता है। बहुत लोग इस चीज को समझते नहीं है कि नींद में क्या क्या चीज कंटिन्यूअसली होते रहता है, क्या क्या प्रॉब्लम होते रहता है। ये बहुत सारा चीज जो है ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये सबको कंटिन्यूअसली ये चीज नहीं पता रहता है। तो अगर हम लोग ईईजी को देखेंगे, अगर हम लोग ईईजी के पॉइंट को डिस्कशन करेंगे, तो अगर हम लोग ब्रेन को डिवाइड करें, ये क्योंकि आप स्लीप डिसऑर्डर के जानने के बारे में, आपका स्लीप का बेसिक कुछ फिजियोलॉजी होता है, कुछ पैथोलॉजी होता है, उसको जब तक आप नहीं समझिएगा, तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको स्लीप डिसऑर्डर समझ में नहीं आएगा। तो ये जो स्लीप है, जो मैं मेन पॉइंट आज डिस्कशन करना चाहता हूँ, ये जो स्लीप है, ये स्लीप में पहले हम लोग स्लीप को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज डी स्लीप, दैट इज डी सिंक्रोनाइज स्लीप और ड्रीमिंग स्लीप। मतलब एक तो पार्ट होता है क्या, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द पार्ट ऑफ द सपना जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड द आरईएम स्लीप, जिसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। मतलब जिस नींद के दौरान आपका जो नींद होता है, वो कंटिन्यूअसली आईज जो क्या होता है, वो रैपिडली मूवमेंट करता है, रैपिडली सबमिट करता है, और रैपिडली क्या होता है, ये नींद जो क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये घूमते रहता है। एंड सेकेंड वन जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हम लोग बोलते हैं, दैट इज ए स्लीप। ए स्लीप क्या होता है, दैट इज सिंक्रोनाइज स्लीप, ऑल्सो इसको क्या बोलते हैं, एनआरईएम स्लीप, मीन्स नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और क्वाइट स्लीप। तो अभी हम लोग जितना टाइम हम लोग लेक्चर दिए हैं, जितना टाइम पॉइंट हम लोग जिक्र किए हैं, इसमें हम लोग क्या देखें कि ये जो स्लीप है, अगर हम लोग उसको ईईजी रिकॉर्डिंग करेंगे, अगर हम लोग उसको पार्ट को देखेंगे, तो स्लीप को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है डी स्लीप और एक तो है ए स्लीप। मतलब एक तो है ड्रीमिंग स्लीप और एक तो है सिंक्रोनाइज स्लीप। अब ये जो नींद है, ये हम लोग ऐसे डायरेक्ट गए और तुरंत एकदम सो गए, ऐसा एकदम ये नींद ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम होता है, ये जो स्लीप का जो ये जो प्रॉब्लम होता है, ये स्लीप जब हम लोग सोने जाते हैं, तो ये नींद का हम लोग 5 मिनट का एक तो दौरा हम लोगों को गुजारना पड़ता है। 5 मिनट कम से कम, ये जो नींद होता है इसमें हम लोग 5 मिनट का एक तो दौरा हम लोगों को गुजारना रहता है। मतलब पूरा पेज में क्या होता है, देयर आर 5 स्टेजेस। मतलब हम लोग सोए, सोने के बाद बहुत सारी नींद में घटना घटती है, जिसको हम लोग स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, हम लोग गए और बस सो गए और नींद हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब नींद के अंदर बहुत कुछ साइकिल चलता है। फर्स्ट साइकिल जो है, दैट इज स्टेज 1। स्टेज 1 क्या है, ये बिगिनिंग ऑफ द स्लीप है। मतलब एक ये हल्का सा हम लोग क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग एक तो लाइट स्लीप बोलते हैं। मतलब ये एक तो ट्रांजिशनल पीरियड है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग जगे हुए हैं, जगे होने से जब हम लोग सोने जा रहे हैं, जब हम लोग जगे हैं, जगे होने से सोने जा रहे हैं, इसका जो ट्रांजिशन पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड मतलब आप जगे हैं, बस सोने जा रहा है, तकिया पे अपने सर लगाए सोने जा रहा है, इस बीच में जो फेज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेज 1 पीरियड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है स्टेज 2। मतलब अब हम लोग क्या है, स्टेज 1 से स्टेज 2, स्टेज 1 लगभग 5 मिनट के अंदर ही ऑलमोस्ट आ जाता है। स्टेज 2 को आने में नींद के अंदर आपको 20 मिनट समय लगता है, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स आपको समय लगता है स्टेज 1 से स्टेज 2 आने में। ये क्या है, जब आपने नींद को आस्ते आस्ते सो लिए, मतलब जब आपको नींद आ गया धीरे धीरे, तब क्या होता है, तब ब्रेन आपका एक तो रिदिमिटिक एक्टिविटी आपको स्टार्ट करता है, और ये ब्रेन क्या करता है, धीरे धीरे इसका जो जो मूवमेंट है, जो आईज जो मूवमेंट है, ये रैपिड आई मूवमेंट इसको बोलते हैं, धीरे धीरे
स्टेज टू में ये स्टार्ट होता है और इसको आने में आपको 20 मिनट का टाइमिंग स्टेज टू आपको आने में लगता है। मैं क्यों ये सब स्टेज वन स्टेज टू ये सब बातें जिक्र कर रहा हूँ, जो सैड लोग सुन रहे हैं, जो भी मेरा ऑडियंस है, जो टीचर लोग स्टूडेंट लोग सब लोग जो सुन रहे हैं, सबको पता है। ऐसा कोई मैं कोई नई बात कुछ नहीं बता रहा हूँ, नई कहानी कुछ नहीं बता रहा हूँ, बट द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत सारा टाइम पे हम लोगों का पेशेंट आता है नॉक्टर्नल एनुरेसिस का, बहुत सारा टाइम में हम लोगों का जो पेशेंट आता है वो पेशेंट का क्या प्रॉब्लम होता है, वो पेशेंट का एक तो प्रॉब्लम होता है हम लोगों का जो सोमनाम्बुलिज्म, हम लोग रेपर्टरी में भी रूब्रिक लेते हैं सोमनाम्बुलिज्म। लेकिन अगर ये जो स्टेज है, अगर आपको ये स्टेज पता नहीं रहेगा तब आप ये क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे ये स्टेज टू का प्रॉब्लम है, ये स्टेज थ्री का प्रॉब्लम है, ये स्टेज फोर का प्रॉब्लम है। हम लोग तो रेपर्टरी रूब्रिक ले लेंगे सोमनाम्बुलिज्म, बट किस फेज का प्रॉब्लम है। जितना मॉडर्न मेडिसिन के साथ हम लोग कॉन्टेक्ट करने जाएंगे, जितना मॉडर्न मेडिसिन को हम लोग जितना अच्छे से समझेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी टॉपिक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एंड मायने रखता है। स्टेज थ्री इससे ट्रांजिशनल पीरियड, ये क्या है स्टेज थ्री, स्टेज थ्री क्या है, ये एक तो ट्रांजिशनल पीरियड है। किस चीज का ट्रांजिशनल पीरियड है, ये है मतलब डीप स्लीप और लाइट स्लीप, इसके बीच में जो फेज जो आता है, डीप स्लीप एंड लाइट स्लीप के बीच में जो फेज आता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज नोन एज द स्टेज थ्री। एंड ये स्टेज थ्री क्या है, ये स्टेज थ्री बेसिकली है दैट इज आप जब एक तो हल्का स्लीप से लेकर के डीप स्लीप के लेवल तक जा रहा है, वो जो कंडीशन है उसको हम लोग स्टेज थ्री बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो आता है धीरे धीरे, अब क्या है, हम लोग हल्का नींद से मतलब मान लीजिए पहले का 5 मिनट, उसके बाद फिर 20 मिनट, उसके बाद फिर 15 मिनट, मतलब लगभग आधा घंटे के आसपास हम लोगों को क्या लग जाता है, आधा घंटे के आसपास हम लोगों को लग जाता है दैट इज से हमसे सवाल आ रहे हैं स्टेज वन को फिर से डिस्कशन करने के लिए हम आएंगे सबका, ये लोग सब लोग जो सुन रहे हैं ये बहुत अच्छा लग रहा है, एवरी वन इज वेरी सीरियस और हमको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए, हम सबका सवाल का जवाब देंगे धीरे धीरे। सो नाउ द स्टेज फोर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट दिस स्टेज फोर कम्स आफ्टर द स्टेज थ्री। एंड ये क्या होता है, इसमें डेल्टा वेव होता है और स्टेज जो फोर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डीप स्लीप बोलते हैं, डीप मतलब गहरा नींद जो है, ये स्टेज फोर मतलब मान लीजिए आपने सोए हैं और सोने के तुरंत बाद ही आपको डीप स्लीप लेवल नहीं आता है, मतलब एक आदमी सोया और उसको सोने का जो टाइमिंग है इसको बहुत टाइम लगता है। और एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हम कहना चाहते हैं, ये जितना भी स्लीप वॉकिंग डिफिकल्टी है, मतलब नींद में चलना, नींद में बात करना, ये सब जो लेवल है ये स्टेज फोर लेवल का प्रॉब्लम है एंड स्टेज फोर का डिफिकल्टी का प्रॉब्लम है। सो लगभग आधा घंटा ऑलमोस्ट इसको आने में लग जाता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज स्टेज फाइव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। मतलब अभी तक क्या हुआ था, हम लोगों का जो आई मूवमेंट जो था, वो आई मूवमेंट जो रेस्पिरेशन था, ये सब एक्टिविटी अब धीरे 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 क्या होगा, ये सर्टेन स्टेज फाइव में क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ड्रीमिंग स्लीप। ड्रीमिंग स्लीप ये कब बोलते हैं, स्टेज फाइव को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द ड्रीमिंग स्लीप, मतलब सपना। एंड आरईएम स्लीप स्टेज इज अबाउट टेक द फर्स्ट आरईएम, मतलब नींद में तो चार पांच साइकिल कंटिन्यूअसली रोटेटिंग होता है, तो 90 मिनट्स मतलब ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगता है ये स्टेज को आने में। मतलब मेरा जो ये कहने का मतलब है, ये ऐसा नहीं है कि आपने स्टेज वन बोले उसके बाद स्टेज टू बोले उसके बाद स्टेज थ्री बोले उसके बाद स्टेज फोर बोले उसके बाद स्टेज फाइव, मतलब ऐसा नहीं आता है 1 2 3 4 5, नहीं नो, ये रोटेट होता है। कैसे रोटेट होता है, हम आ रहे हैं उसके दिमाग पे। सो स्टेज फाइव ये लगभग जब से हम लोग सोए हैं, जब से हम लोग सपना देख रहे हैं, जिसको हम लोग ड्रीमिंग स्लीप बोलते हैं, ये लगभग 1.5 घंटा लगता है, मतलब हम लोग सोया उससे 1.5 घंटा लगता है सपना आने में, दैट इज द बेसिक वेरी पॉइंट। सो ये जो टाइमिंग है, ये जो ड्रीमिंग स्लीप है जिसमें रैपिड आई मूवमेंट जो होने लगता है, किसी किसी को लेट रैपिड आई मूवमेंट होने लगता है, मतलब हम लोग बोले कि ये जो सपना है ये सारा चीजें ये दो पार्ट में, हम लोगों का जो स्लीप है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, वन इज डी स्लीप मतलब डिसिंक्रोनाइज स्लीप, और जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, मतलब जहां पे क्या होता है आंख का कोई मूवमेंट होता ही नहीं है, एंड अरेक्टो है दैट इज द ड्रीमिंग स्लीप, और जिसको हम लोग बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, वो स्टेज फाइव पे आता है, वो आता है 1.5 घंटे के बाद। अब हम लोग सिक्वेंस ऑफ स्लीप को देखेंगे कैसे होता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हमने क्या बोला, ये जो सिक्वेंस ऑफ स्लीप जो है
ये ऐसा नहीं है कि स्टेज वन उसके बाद स्टेज टू उसके बाद स्टेज थ्री स्टेज फोर स्टेज फाइव, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ये जो इंटरेस्टिंग है इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज स्टेज वन प्रोग्रेसेस टू टू थ्री फोर। ओके, स्टेज वन के बाद क्या है, स्टेज टू स्टेज थ्री स्टेज फोर, एंड आफ्टर द स्टेज फोर रीचिंग ये क्या होता है, ये उल्टा आता है, स्टेज फोर स्टेज थ्री स्टेज टू एंड देन इट गोज टू द स्टेज फाइव। मीन्स अगर हम लोग एक तो ग्राफ देखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली ये हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ इस पॉइंट को कि ये जो स्टेज का जो स्लिप है, मतलब स्लिप का कितना स्टेज है, फाइव स्टेज है, वेरी सिंपल, स्टेज का है फाइव स्टेज। क्या क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव। इसमें मेरा अभी जो इंटरेक्शन चल रहा है उसमें क्या पॉइंट मैं डिस्क्रिप्शन करना चाहता हूँ कि ये स्लिप का जो स्टेज है वन टू थ्री फोर फाइव, ये लगातार कंटिन्यूअस नहीं होता है, मतलब वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे नहीं होता है, स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री स्टेज फोर एंड देन आफ्टर स्टेज फोर इट गॉट रिवर्स। कैसे होता है, स्टेज थ्री स्टेज टू स्टेज वन तो फिर से लौटता नहीं है एंड उसके बाद क्या होता है, सीधा स्टेज फाइव में चला जाता है। सो इट टेक्स ऑलमोस्ट होने से बाद 1.5 घंटा लगता है हमको इस स्टेज में आने में। ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अभी हम कहना चाहते हैं दैट ये जो नींद है, इसको सबको नहीं पता कि ये नींद का जो ये जो टाइमिंग है ये सबको अलग 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 आता है, मतलब कितना घंटा सबको सोना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट। आप डिसऑर्डर बोल रहे हैं, आप पॉइंटिंग डिस्कस कर रहे हैं, एक तो क्या नॉर्मल है क्या टाइम, ये टोटली डिपेंड करता है एज के हिसाब से। जैसे अच्छा, ये टोटल जो स्लीप होता है साइकिल होता है ये ऑलमोस्ट लगभग 4 to 5 स्टेज ये कंटिन्यूअसली होता है, 4 से 5 स्टेज कंटिन्यूअसली ये रिवर्ब बैक होता है, जिसमें अगर हम लोग न्यू बॉर्न को देखें, जो छोटा सा बच्चा, मतलब एज क्या है, 0 to 2 months जो न्यू बॉर्न है, ये न्यू बॉर्न को कितना टाइमिंग लगता है, 12 to 18 आवर्स। एक न्यू बॉर्न को सोने का टाइमिंग क्या है, 12 से 18 घंटा। अगर आप इसको डिसऑर्डर बोलेंगे, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है बिकॉज उसका नॉर्मल स्लीपिंग टाइम इतना होता है। नेक्स्ट क्या है, दैट इज द इन्फेंट, उसका एज क्या है, 3 months to 11 months, उसका टाइमिंग क्या है, 14 to 15 आवर्स, तो ये कोई डिसऑर्डर में नहीं आता है। नेक्स्ट क्या आता है, टॉडलर, टॉडलर हम लोग किसको बोलते हैं, 1 to 3 years, उसका क्या टाइमिंग है, 12 to 14 आवर्स। नेक्स्ट क्या आता है, दैट इज प्री स्कूल चिल्ड्रेन, 3 to 5 years, उसका क्या होता है, 11 to 13 आवर्स। तो देखिए जितना उम्र बढ़ते चला जा रहा है उतना क्या हो रहा है, स्लीप टाइमिंग जो है आपका, ये स्लीप टाइमिंग क्या हो रहा है, ये पूरा एकदम आपका कंटिन्यूअसली ये टाइमिंग जो है ये छोटा होते चला जा रहा है। एंड अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो टोटल जो चीज है, ये जो प्री स्कूल है, इसको क्या लगता है, दैट इज द टाइमिंग ऑफ द 5 से 10 साल का लगता है, 10 से 11 घंटा टोटल जो टाइमिंग है। तो ये जो स्लीप है, ये जो स्लीप का जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, दैट इज जो ये जो चीज है, ये सबको हम लोग बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये जो स्लीप का जो मैटर है, ये स्लीप एक एक जो डिसऑर्डर हम लोग बोलेंगे, ये न्यू बॉर्न का स्लीप का टाइम बहुत ज्यादा रहता है, उसके बाद टॉडलर का स्लीप का टाइम बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन जितना बड़ा होते चला जाएंगे उतना नॉर्मली 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो फिर आप लोग जो ये स्लीप का साइकिल जो हम बता रहे हैं बार बार कि स्लीप का मेन है 5 स्टेजेस है, 1 2 3 4 5। अच्छा ओके, वन क्या है, अब जो सवाल आ रहा था स्टेज वन, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्टेज वन इज वेरी सिंपल, आपने सोने गए और जब आपने सोने गए तो दैट इज द इंटरिम पीरियड, इंटरिम मतलब एक गैप है, किस चीज का गैप है, दैट आप कॉन्शस है, मतलब आप जगे हुए हैं, जगे होने से आप जो नींद की तरफ जो जा रहे हैं, मतलब टुवर्ड स्लीप जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज द कंडीशन इज नोन एज द स्टेज वन। एंड स्टेज वन से स्टेज टू जाने में आपको कितना टाइम लगता है, दैट आफ्टर 5 to 15 मिनट्स आप कहाँ चला गया, स्टेज टू पे। स्टेज टू में क्या परिवर्तन होता है, आपका हार्ट रेट थोड़ा स्लो होता है, आपका ब्रेन हल्का स्लोली काम करता है, उसके बाद और 15 मिनट्स लगता है जहां पे हम लोग क्या जाते हैं, जहां पे डेल्टा स्टेज को हम लोग बोलते हैं, हम लोग कहाँ इंटर करते हैं, स्टेज थ्री पे। ये स्टेज थ्री पे क्या होता है, दैट इट ऑलमोस्ट टेक अनदर 15 मिनट्स। उसके बाद क्या आता है, कौन सी चीज आता है स्लीप साइकिल में, दैट इज आता है स्टेज फोर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेज फोर इज बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम लोगों का बीपी डिक्रीज होता है स्टेज फोर स्लीप में। स्टेज फोर स्लीप में हम लोगों का क्या होता है, हम लोगों का बीपी डिक्रीज होता है, हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है,
हम लोगों का हार्ट रेट स्लो होता है, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द स्टेज फोर स्लीप, एंड लास्ट स्टेज फाइव जिसको लगभग 90 मिनट्स के बाद ही रिटर्न आता है, जिसमें क्या होता है हम लोग को इंक्रीज आई मूवमेंट, हार्ट रेट, बीपी, ये हल्का सा थोड़ा सा राइज करते हैं। सो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये साइकिल कितना बार होता है, 5 टाइम्स, ये साइकिल कितना बार होता है, दैट इज 5 टाइम्स। सो वन थिंग इज वेरी क्लियर, वन थिंग इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दैट एक सवाल उठता है कि अगर कोई रोज 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 रात में जगेगा, अगर जो हम लोग जो अभी जो बहुत सारे इंजीनियर्स से, बहुत सारे वर्कर्स से जिसको क्या होता है रात में जागना होता है, मतलब वो नाइट में जागता है और दिन में सोता है, तो दिन में जब वो लोग सोता है तो उसका तो उस तरीके का नींद नहीं आता जितना रात में एक नॉर्मल सी आनी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप दिन में जग के जो काम करते हैं और रात में नेचुरली सोते हैं, रात में सोने से क्या फायदा होता है, रात में प्रॉपर नींद आने से क्या फायदा होता है, रात में प्रॉपर नींद आने से ये फायदा होता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर, आपका ब्लड प्रेशर, ये सब डिक्रीज होता है। तो अगर आप रात का आपका नींद प्रॉपरली नहीं होगा तो आपका बीपी कभी कंट्रोल नहीं हो सकता है। दैट इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू नो द स्लीप साइकिल। जब तक आप सो रहे हैं आपका नींद बार बार टूट रहा है, बड़े शॉर्ट टाइम आपका नींद टूट जा रहा है, आप स्टेज फोर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, आप स्टेज फोर तक पहुंच नहीं पा रहा है, जहां पे जिस स्टेज फोर में आपका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, आपका बीपी डिक्रीज होगा, आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, आपका नींद नहीं हो रहा है। सो मैं पहले से जहाँ पे लेक्चर का आज का जो ये टॉपिक जो मैंने सिलेक्शन किया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको लगा इसीलिए, क्योंकि सारे लोग क्या करते हैं नींद को, जब हम लोग केस्टिंग में पूछते हैं, जब हम लोग केस्टिंग में पूछते हैं नींद कैसा है, ठीक है, अच्छा है, बट देयर आर सेवरल थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन द होम्योपैथी, देयर आर सेवरल थिंग्स अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू नो, क्योंकि ये जो छोटा सा स्लीप का जो ये टर्म है, जब आप स्लीप को समझना है तो आपको स्लीप साइकिल आपको पहले समझ, इसलिए मैंने डिसऑर्डर तो नाम दे दिया, हम आएंगे डिसऑर्डर पे, हम कहेंगे एक एक डिसऑर्डर को, लेकिन जो बेसिक स्लीप साइकिल है, जो पार्ट इसका है साइकेट्री का पार्ट है, जब तक हम लोग ये छोटा छोटा चीज को अच्छे से नहीं समझेंगे, आई थिंक कि हम लोग का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। सो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम लोग स्लीप में जाते हैं, जब हम लोग नेचुरल स्लीप में जाते हैं, तब हम लोग का बीपी डिक्रीज होता है, हम लोग सब कुछ बॉडी माइंड एकदम शांत कंडीशन में आता है, लेकिन अगर हम लोग रात को प्रॉपरली नहीं सोएंगे, अगर मेरा नींद प्रॉपरली नहीं होता है तो माई बीपी कांट बी कंट्रोल, एंड धीरे धीरे क्या होगा, मेरा ब्लड प्रेशर जो ऑल द अदर प्रॉब्लम है, मेरा हार्ट रेट, ये सब कुछ बढ़ने लगेगा, और अगर ये चीज रातों रात होने लगेगा, आप पूछेंगे आपको रातों रात कैसे होने लगेगा, मान लीजिए ऐसा कोई जॉब, अभी बहुत सारे लोग जॉब करते हैं जहां पे आपको पूरा होल नाइट आपको ड्यूटी करना पड़ता है, सुबह में उस लेवल का नींद आपको आता ही नहीं है, तो कंटिन्यूअसली होल नाइट कंटिन्यूअस फेज में अगर आप ड्यूटी करिएगा तो आपका प्रेशर कंटिन्यूअसली हाई रहेगा, और जो ऑब्स्टेकल टू क्योर है जिसको हम लोग ऑर्गन में बात करते हैं, ऑब्स्टेकल टू क्योर, आपका नींद ही प्रॉपर नहीं आ रहा है, आपकी नींद प्रॉपरली आप नहीं कर पा रहे, कैसे, हाउ कैन कंट्रोल दिस थिंग, सो इट कैन रिलेट, ये जो घटना है ये रिलेट है ब्लड प्रेशर से, ये रिलेट है नींद से, तो जब आप नींद को प्रॉपर कंट्रोल नहीं करिएगा आप इस चीज को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। सो दैट्स व्हाई आई टुक दिस टॉपिक, मैंने इसलिए इस टॉपिक को मैंने चूज किया हूँ, मैंने इसलिए इस टॉपिक को मैंने बोलने का आज हमको लगा कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप हम लोग आते हैं मेरा स्लाइड का जो सेकेंड पार्ट है, तो बेसिक फर्स्ट पार्ट था ये हम लोगों का पार्ट था, एंड जिसको हम लोग बोले कि स्लीप स्टेजेस, स्टेजेस ऑफ स्लीप, जो फर्स्ट पार्ट मेरा था। नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ माई लेक्चर, अब मैं क्या किया हूँ, अब मैं स्लीप डिसऑर्डर इसको मैं समझने के पहले मैंने साइकिल को समझाया, अब क्या है ये जो स्लीप डिसऑर्डर है, ये जितना भी आप स्लीप डिसऑर्डर देखेंगे साइकेटरीज में, ये स्लीप डिसऑर्डर दोनों सब टाइप में डिवाइड है, वन इज डाइसोम्निया एंड वन इज पैरासोम्निया। देखिए ये टर्म आपको साइकेट्री में मिल जाएंगे कि डाइसोम्निया क्या है, पैरासोम्निया क्या है, लेकिन जब तक आपको स्टेजेस के बारे में पता ही नहीं है कि क्या होता है, ऐसे सच में कोई स्टेजेस होता है कि नहीं है उसके, और ये बहुत शॉर्ट टाइम है, 1 घंटे में, वेरी डिफिकल्ट, बट जितना हो सके, जितना मैं एटलीस्ट व्यूअर्स, जितना भी स्टूडेंट है, जितना भी जूनियर डॉक्टर लोग है, जितना भी सीनियर डॉक्टर लोग है, मैं बस डिस्कशन करना चाहता हूँ, मैं बस डिस्कशन करना चाहता हूँ, बिकॉज ऑल जितना भी मेरे सामने जितना भी ऑडियंस है, आई थिंक ये सब लोग बहुत अच्छे जानकार हैं, और खासतौर पर जहाँ पे इट्स माई प्रिविलेज, ये मेरे लिए एक बहुत गर्व की विषय है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, तो मैं अपने सर के सामने दो चार को लाइन रख पा रहा हूँ,
एंड मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मैं सर के सामने लाइन बोर्ड पढ़ा हूँ, क्योंकि सर तो मेरे हिसाब से देर आर सेवरल टॉपिक्स, बट आई कैन स्टे विथ डॉक्टर एम के सहनी सर फॉर सेवरल टाइम्स, एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द रिपर्टरी. सेवरल टाइम्स जितना भी मैंने सीखा हूँ, जितना भी मैं दो चार गुरु पिताज बोल पाता हूँ, सिर्फ सर के लिए, ये मैं ओपनली बोलता हूँ. एंड इतना ब्यूटीफुल सर पेशेंट का रूब्रिक को सर पिक करते हैं, तो दैट इज माई प्रिविलेज. मैंने एग्जैक्ट वर्ड लैंग्वेज जो होता है मरीज का, उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि जब नहीं करिएगा नहीं प्रॉपर रूब्रिक पे पॉइंट में आप आइएगा. एनीवे, तो ये जो स्लीप जो साइकिल है, जो स्लीप डिसऑर्डर की हम लोग जो बात करते हैं, उसको हम लोग दो फेज में डिवाइड करते हैं. वन इज डाइसोमनिया, अनदर इज पैरासोमनिया. डाइसोमनिया का पर तीन तरीके का डिवीजन है. देखिए, नींद ना आना, आपको क्या हो रहा है, आपको क्या हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रहा है, आपको क्या हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है. कितना हल्का वे में हम लोग ले लेते हैं, हाँ हम लोग कितना हल्का वे में ले लेते हैं, मतलब हाँ ठीक है, अरे नींद नहीं आ रहा है कौन सी बड़ी बात है, नींद नहीं आ रहा है कौन सी बड़ी बात है, बट वो नींद के अंदर इतना कुछ कहानी है अगर आप उसको समझेंगे नहीं, तो नींद को आप हल्का वे में ही ले लेंगे. तो ये जो डाइसोमनिया है, डाइसोमनिया के अंदर तीन कैटेगरी है. ओके, वन इज इनसोमनिया. वन इज इनसोमनिया मतलब नींद ना आना. वन इज हाइपरसोमनिया, आपको एक्सेस नींद आना. अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने क्यों बोला कि किसका स्लीप कितना टाइम होना चाहिए, जब तक आप इस कैटेगरी को नहीं समझेंगे अकॉर्डिंग टू एज, उम्र के हिसाब से जब तक आप इस कैटेगरी को डिवाइड नहीं करेंगे, आपको कैसे पता रहेगा कि ये केस हाइपरसोमनिया, क्योंकि बिकॉज जो न्यूबॉर्न है, जो चिल्ड्रेन है, उसको तो 12 से 18 घंटा सोना चाहिए. दैट इज नॉट द केस ऑफ द हाइपरसोमनिया, दैट इज नेचुरल, दैट इज नेचुरल. तो एज के अकॉर्डिंग आपका स्लीप का कंडीशन चेंज होता है. बट इफ यू नो द नॉर्मल, जब तक आप नॉर्मल को नहीं जानेंगे, जब तक आप नॉर्मल चीजों को नहीं जानेंगे, हाउ कैन यू पिक द एबनॉर्मल, आपको कैसे पता चलेगा कि क्या एबनॉर्मल है. पहले आपको नॉर्मल चीजों को समझना चाहिए, फिर आपको नॉर्मल जगह को समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली यू कैन डिटेक्ट, आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि दीज आर द कंडीशन दैट इज द एबनॉर्मल चीज है. तो स्लीप डिसऑर्डर जो टर्म है, इसको अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज डाइसोमनिया, अनदर इज पैरासोमनिया. अब डाइसोमनिया के अंदर तीन है, इनसोमनिया नींद ना आना, हाइपरसोमनी भी एक प्रॉब्लम है. मैं डॉक्टर साहब दिन में ज्यादा टाइम सोते रहता हूँ. एंड डिसऑर्डर ऑफ स्लीपो एक्सीडिंग, स्लीपो एक्सीडिंग क्या है, हम उठ नहीं पाते प्रॉपरली टाइम पे. आपको देखते हैं बहुत सारा पेशेंट होता है, पल्सिटिकल में होते हैं, अर्ली मॉर्निंग क्या होता है, पेशेंट नॉट फ्रेश. तो स्लीपो एक्सीडिंग दैट इज पार्ट कम्स अंडर द मेडिकल टर्म. एंड अनदर इज पैरासोमनिया, दैट इज नोन एज द स्टेज 4 स्लीप डिसऑर्डर. स्टेज 4 स्लीप डिसऑर्डर, आपको अगर स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 कुछ पता ही नहीं है, तब आप कैसे पता चलेगा आपको कि स्टेज 4 क्या है, कौन सी आपको स्टेज 4 बोलते हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आई कैन अंडरस्टैंड. ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट विद द हाइपरसोमिया. वेरी इंटरेस्टिंग, किसको बोलते हैं हाइपरसोमिया, वेरी इंटरेस्टिंग. हाइपरसोमिया आल्सो नोन एज द डिसऑर्डर ऑफ एक्सेसिव सोमनोलेंस, आप ज्यादा 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 सोते हैं. हाइपरसोमिया मींस वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग. हाइपरसोमनिया मींस वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग. वन दैट इज एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस, आप दिन में बहुत ज्यादा सो रहे हैं. आप दिन में, गौर करिएगा वर्ड को, आप दिन में बहुत ज्यादा सो रहे हैं. स्लीप अटैक, आपको दिन में ही नींद का ये आ जा रहा है, रात के मैं बात नहीं कर रहा हूँ. स्लीप ड्रंकनेस, पर्सन यू सी मोर टाइम टू बी अवेक एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड इज कंफ्यूज एंड डिसोरियंटेड. आप इतना गहरा नींद पे चल जाते हैं कि आपको उठाने में बहुत टाइम लग जाता है. हम लोग एक टाइम क्या बोलते थे, अरे ये तो ऐसा सोता है, आप कहिए ही मत, इनको उठाना बहुत दिक्कत वाली बात है, इनको उठाना बहुत दिक्कत वाली बात है, उठता ही नहीं नींद में. बट इज कॉल्ड ऑल्सो दिस ऑफ द हाइपरसोमनिया, वेरी इज इंपॉर्टेंट. अच्छा, कोई पेशेंट आया, मैं जिस तरीके के स्लीप डिसऑर्डर को समझाऊं, मैं अपना डिस्क्रिप्शन करता हूँ, फिर यहाँ पे जितना भी व्यूअर्स है, मेरे सर लोग हैं, मेरे स्टूडेंट लोग हैं, मेरे जूनियर्स हैं, जूनियर डॉक्टर, सब लोग अपने हिसाब से अपना ओपिनियन रखिएगा कि जो व्हाट आई वांटेड टू यू. अच्छा, अब ये सवाल है, मान लीजिए मैं बहुत सो रहा हूँ, मेरा दिन में नींद भी आ जा रहा है, मेरा दिन में नींद भी आ जा रहा है ना, मेरा दिन में नींद भी आ रहा है, अब क्या इसको हम लोग स्लीप डिसऑर्डर कह देंगे, इसको क्या हम लोग स्लीप डिसऑर्डर कह देंगे कि अगर हम दिन में बहुत ज़्यादा मेरा नींद आ रहा है तो मेरे से, नहीं हम लोग नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप हाइपरसोमनिया का कोई केस डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो ये स्लीप डिस्टरबेंस आपको एटलीस्ट 1 मंथ और रिकरेंट पीरियड पे ड्यूरेशन में, आपको लगातार 1 महीने तक आपको इतना हो रहा है, और 1 महीने
आपको इतना ज्यादा ये जो दिन में एक्सेस नींद आना आपको प्रॉब्लम कर दिया, ये आपको सोशल सोशल मतलब सामाजिक ऑक्यूपेशनल आपको दैनंदिन जो हैबिट है एंड आपका फैमिली में मार्क डिस्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, मतलब ये इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये नींद का ये जो प्रॉब्लम है, ये 1 महीने तक आज हमने ज्यादा सोया, आज हमने ज्यादा सोया, कल मैंने ज्यादा सोया, हम जेट लैग है, हम फ्लाइट से आए हैं, हम फॉरेन से टूर करके आए हैं, हम 2 दिन सो रहे हैं, ये कोई स्लीप डिसऑर्डर में नहीं आता है, ये कोई स्लीप डिसऑर्डर में नहीं आता, ये हाइपरसोमनिया का मैटर तब है जब अब तक आप 1 महीना लगातार ये प्रॉब्लम आपको चल रहा है, देन यू कैरेक्टराइज्ड, यस इट इज अ कंडीशन ऑफ द स्लीप डिसऑर्डर। अच्छा आप बताइए, एक लग बहुत एक टाइम सो लिया, ज्यादा सो रहा है, ठीक है ना, तो क्या देखिए उतना कितने इंपॉर्टेंस है मेडिकल साइंस में, आप देखिए कॉजेस ऑफ हाइपरसोमनिया को अगर आप लोग ये करेंगे कि क्या कॉजेस है हाइपरसोमनिया का, एक होता है मेडिकल इलनेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है एल्कोहल एंड ड्रग, थर्ड कैटेगरी होता है साइकेटिक डिसऑर्डर एंड फोर्थ कैटेगरी होती है इडियोपैथिक, दैट इज अननोन इटियोलॉजी। हम लोग अगर हम लोग मेडिकल इलनेस में जाते हैं तो 25% दैट इज स्लीप एपनिया में जाता है, नार्कोप्लेसी में जाता है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में जाता है, स्लीप डिप्राइवेशन जाता है, हेड इंजरी जाता है, सेरिब्रल ट्यूमर जाता है, सो देयर आर सेवरल डिजीज अंडर द मेडिकल इलनेस, सेवरल डिजीज अंडर द मेडिकल इलनेस। तो अगर कोई पेशेंट मेरे पास हाइपरसोमनिया का आए, मतलब वो बहुत ज्यादा टाइम सो रहा है, तो उसको भी हम लोग को चारों कैटेगरी में डिवाइड कर देना चाहिए, क्या क्या, फर्स्ट पॉइंट मेडिकल इलनेस, क्या उसका कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, सेकेंड पॉइंट दैट इज एल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज, थर्ड पॉइंट एनी साइकेटिक डिसऑर्डर पे क्या वो जा रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड फोर्थ पॉइंट दैट इज इडियोपैथिक दैट इज अननोन इटियोलॉजी। सो फर्स्ट पॉइंट के अगर हम लोग देखेंगे दैट इज मेडिकल इलनेस फॉर द हाइपरसोमनिया, मतलब ज्यादा सो रहा है, उसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक तो पॉइंट है दैट इज नार्कोप्लेसी, स्लीप एपनिया, एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी कॉमन टुडे इन क्लिनिकल प्रैक्टिस जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं दैट इज हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाइएगा कि ये ज्यादा टाइम नींद में सो रहा है, डेफिनेटली इसका टीएसएच में कोई गड़बड़ है, डेफिनेटली आपको होना ही चाहिए कि इसका थायराइड में प्रॉब्लम है, लेकिन ये आप डायग्नोज कहाँ से कर रहे हैं, ये आप डायग्नोसिस कहाँ से कर रहे हैं, आप स्लीप से डायग्नोसिस कर रहे हैं, वो आपको नींद का प्रॉब्लम बता चला जा रहा है और आप उसमें डायग्नोस कर रहे हैं थायराइड का प्रॉब्लम है, सो दैट इज द कोइंसिडेंस ऑफ द मेडिकल साइंस, आपको एक सिम्टम के साथ ये जो पूरा है ना जो एज ए होल जो हम लोग होम्योपैथी की बात करते हैं एज ए होल, इन द एपोजिट नंबर 3 डॉक्टर हैनीमैन ने देखा है वेरी ब्यूटीफुली इन द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, दैट इज डिजीज नॉलेज, ड्रग नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग नॉलेज टू द डिजीज नॉलेज, सो इफ यू डोंट नो द डिजीज नॉलेज द बेसिक कंसेप्ट द डिजीज, और डिजीज को भी यू शुड बी पुट ऑन एज ए होल, मींस ऐसा नहीं है कि हाइपोथायरायडिज्म अलग चीज है, ये सिम्टम अलग है, ये तो नींद का अलग स्लीप डिसऑर्डर में चला जाएगा, वो तो थायराइड का डिसऑर्डर, ऐसा नहीं है, ईच एंड एवरी सिम्टम शुड बी कोरिलेटेड एंड फाइंडिंग आउट दैट इज द सिम्टम ऑफ द व्हिच डिजीज, दैट इज वेरी स्पेसिफिक, दैट इज वेरी स्पेसिफिक, सो नार्कोप्लेप्सी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मेडिकल इलनेस, तो इसमें क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव डेटेंस इन ऑपरेंट डिस्टर्ब टाइम स्लीपनेस एंड डिस्टर्बेंस इन द आरईएम स्लीप, द हॉलमार्क ऑफ दिस डिसऑर्डर दैट इज डिक्रीज आरईएम लेटेंसी, मींस इसका जो क्या होता है जो फर्स्ट आरईएम जो लेटेंसी पीरियड होता है जो लगभग 90 to 100 मिनट, मतलब ये फर्स्ट टाइम आरईएम स्लीप में रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जाता है, ये इसका डिक्रीज रहता है, बहुत ज्यादा डिक्रीज रहता है, एंड द क्लासिकल टेटर सिम्टम ऑफ दिस दैट इज स्लीप अटैक, नींद आ जाना बार 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 बार, दिन में 2-3 बार इसको एकदम क्या होता है ऑटोमेटिकली इसको नींद कंटिन्यूअसली आता है, दैट इज द मोस्ट कॉमन पार्ट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 स्नैप एट रेगुलर टाइम्स इन द डे, सिमुलेंट मेडिकेशन एंड ब्रॉडी विद सम पेशेंट एंड एंटी डिप्रेशन, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आई कैन टेल इन दिस कंडीशन। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज स्लीप एपनिया, इसमें क्या होता है कि आपका जो रिपीटेड एपनिया मतलब नींद आपको कंटिन्यूअसली क्या होता है आपका जो एयर फ्लो होता है ये एयर फ्लो आपका प्रॉपरली नहीं जा रहा है, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ स्लीप एपनिया, वेरी कॉमन केसेस जहां पे आपका नींद जो हो रहा है दैट इज ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन, आपको वो नींद पूरा कंटिन्यूअसली नहीं हो रहा है एंड दिस इज कंटिन्यूअस बाय रिपीटेड एपिसोड ऑफ एपनिया ड्यूरिंग स्लीप, आपकी नींद में टाइम में क्या हो रहा है रिपीटेड एपिसोड हो रहा है, एंड इट इज कॉमन इन एल्डरली पीपल एंड ओबीस पीपल,
एल्डरली एंड ओबीज, बेसिकली जो लोग ओबीज होते हैं, जो फैटी होते हैं, उसको क्या होता है, स्लीप एपनिया, स्पेशली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का केस बहुत कॉमन होता है। इस तरीके का पेशेंट में हम लोग देखते रहते हैं। एंड इसमें क्या होता है, द नंबर ऑफ एपिसोड, मतलब हम लोग जो एपिसोड की बात करें ना, 1 2 3 4 5, ये जो एपिसोड होता है, इसको नींद आता ही नहीं है। ये नींद के टाइम में क्या होता है, इसको कंटिन्यूअसली क्या होता है, दैट बेसिकली देयर इज अ एपनिक एपिसोड एक्सीड इन विद 30 एंड ड्यूरिंग द नाइट। सो इट्स अ वेरी क्रूशियल कंडीशन इज इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट। द डायग्नोसिस कैन पॉलीसोमनोग्राफी, एक तो जांच होता है। एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोल्ड भी कर दिया, स्लीप एपनिया इट्स अ वन ऑफ द मोस्ट डेंजर कंडीशन, जहां पर नाइट में आपको स्लीप प्रॉपरली नहीं हो रहा है, आपको ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्लीप हो जा रहा है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ अवॉइडेंस ऑफ एल्कोहल, डिप्रेशन मेडिकेशन, स्टिमुलेंट सच एज कैफीन, रेगुलर एक्सरसाइज, लूजिंग एक्सेस वेट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इट्स ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पेशेंट के लिए। क्लेवन लेविन सिंड्रोम, इट्स अ वेरी रेयर सिंड्रोम, इट्स कैरेक्टराइज बाय द हाइपरसोमनिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइपरफेजिया एंड हाइपरसेक्सुअलिटी, इज अ वेरी रेयर सिंड्रोम। सो वी कुडंट द क्लेवन लेविन सिंड्रोम इज वेरी रेयर, सो इसको हम इस पार्ट में अभी डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे। सो ट्रीटमेंट ऑफ दिस हाइपरसोमनिया, फर्स्ट साइकेटिक असेसमेंट हमको कर लेना, उसके एसोसिएटेड अंडरलाइंग इंसोमनिया का पार्ट हम लोग डिस्कस करना, एनी विथड्रॉल मेडिकेशन, मतलब कोई भी एलोपैथी मेडिसिन पेशेंट ने लॉन्ग टाइम खा रहा है, उसका कोई विथड्रॉल हुआ है कि नहीं हुआ, ये भी हमको पार्ट में लेना। So this is the part as it is underlying with the cases of the hypersomnia. Now, disturbed sleep or exceeding, very important point. इसमें क्या होता है? These are characterized by the disturbance of the timing of the sleep. इसमें commonly क्या होता है? That is very important point. There is mismatch between the circadian rhythm and the normal sleep wake schedule. मान लीजिए first जो common है इसका, ये जो sleep wake schedule है, मतलब properly वो नींद से उठ ही नहीं पाता है। इसका वन ऑफ द कॉमन है, दैट इज द जेट लैग और रैपिड चेंज ऑफ द टाइम जोन। मतलब आप गए ऐसा कोई कंट्री में जहां पे यहाँ पे दिन है तो वहां पे रात है, वहां पे दिन है तो वहां पे रात है, तो ऑटोमेटिकली इसका जो प्रॉब्लम होता है, जो इटियोलॉजी होता है स्लीप एक्सीड्यूल का, मतलब वो प्रॉपर टाइम उठ ही नहीं पा रहा है, तो ये कुछ देर तक तो ये प्रॉब्लम होता ही है। सेकेंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वर्क शिफ्ट, डे टू नाइट वाइस वर्सा, वर्क शिफ्ट में इसका प्रॉब्लम है। एंड अनयूजुअल स्लीप फेज, दैट इज वेरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम पर्सन अनेबल टू स्लीप अर्ली। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं ना कि हमको सर क्या होता है ना, हमको नींद आता ही नहीं है, हम बेड पे पड़े रहते हैं, हमको नींद आता ही नहीं है, एंड दे आर टिपिकली स्लीप लेट एट नाइट एंड गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। दे आर टिपिकली स्लीप लेट एट नाइट गेट गेट अर्ली इन द मॉर्निंग, दिस इज कॉल्ड एज आउल्स। जैसे आउल होता है ना, हमको पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, ये रात में ये लोग क्या करते हैं, बहुत लेट सोने जाता है एंड अर्ली इन द मॉर्निंग ये लोग उठ जाता है। अच्छा, लेट इन द नाइट सोने जाता है, अगर हम लोग मेट्रियोमेटी का भी हम लोग टेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं नक्स भूमिका का हम लोग याद आता है, एनवी नक्स भूमिका, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। लेट नाइट स्लीपर, अनयूजुअल स्लीप फेज, तो अनयूजुअल स्लीप फेज जो ये किसमें आता है, दैट इज ये जो पॉइंट है अनयूजुअल स्लीप फेज, ये आपका हाइपरसोमनिया में नहीं आया, ये किस कैटेगरी में आता है, ये डाइसोमनिया कैटेगरी में आता है, और ये क्या है, ये डिसऑर्डर ऑफ द स्लीप वेक शेड्यूल है, आपका स्लीप वेकिंग प्रॉपरली नहीं हो रहा है। तो हर किसी को डाल करके इंसोमनिया, हर किसी को डाल करके इंसोमनिया, दैट इज नॉट द प्रॉपर साइकेटिक अंडरस्टैंडिंग। हर कोई इंसोमनिया नहीं है, मैं यही बोल रहा हूं, मैं बस बात को गहराई में पहुंचने का कोशिश कर रहा हूं, मेरा मेन मकसद है, हर चीज इंसोमनिया नहीं है, हर चीज हाइपरसोमनिया नहीं है, ये एक कैटेगोरी वाइज अलग है, दैट इज डिस्टर्बेंस इन द स्लीप वेक शेड्यूल, जहां पे पेशेंट क्या बोलता है कि डॉक्टर साहब को नींद आने में बहुत टाइम लग जाती है, तो इसका जो फेज है ये क्या है, डिस्टर्बेंस इन द स्लीप वेक शेड्यूल, इसमें बोलते हैं बहुत लेट से आती है, हम जल्दी जल्दी उठ जाते हैं, तो इसके साथ हाइपरसोमनिया इंसोमनिया उसका कॉज का भी कोई रिलेशन नहीं है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज पैरासोमनिया। क्या होता है पैरासोमनिया? देखिए, एक घंटे का टाइम है, स्लीप वेक शेड्यूल बहुत बड़ा है, लेकिन एटलीस्ट कुछ हर पॉइंट को हल्का हल्का टच कर जाए कि एज ए होल, एज ए जिस्ट, एक बार सुन के आपको अच्छा ठीक है चलो ये तो डाइसोमनिया, थोड़ा सा डाइसोमनिया को देख लेते हैं, थोड़ा पैरासोमनिया को देख लेते हैं, किस पार्ट का हम उतना डीपली हम। अच्छा, बहुत सारे टाइम में क्या होता है ना, एनुरेसिस, साइकेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉक्टर्नल एनुरेसिस, उसमें क्या होता है, बहुत सारे टाइम में पेशेंट जब पहला नींद में जाता है तब उसको बेड वेटिंग हो जाता है, बहुत सारे ड्रग में हम लोग देखते हैं लेट नाइट में मेरा बेड वेटिंग हो जाता है, बहुत सारे टाइम में मिड नाइट में बेड वेटिंग हो जाता है, दैट इज द डिफरेंट कैटेगरी। तो ये किस पार्ट में आएगा, दैट इज कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द पैरासोमनिया। वेरी इंटरेस्टिंग, आपको मिट्रिया को जोड़ना है, आपको साइकेटिक को जोड़ना है, आपको रेपर्टरी को जोड़ना है, एक एक चीज को आपको जोड़ना है, कोई अलग नहीं है, दिस ऑल एज ए होल सब्जेक्ट एंड 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 इफ यू पार्ट इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, जो साइकेटिक पार्ट ऑफ मेडिसिन का जो पार्ट है, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद
ये एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एक एक सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली एक के साथ एक इंटररिलेटेड है। बस आपको वो जोड़ने का वो जो कला है जिसको बोलते हैं आर्ट, जो होम्योपैथी से आर्ट, वो जोड़ना है, तब जाके इट्स अ कंप्लीट मेडिकल साइंस, इसको प्रॉपर एक्सप्रेशन हो सकता है। सो पैरासोमनिया, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैरासोमनिया आर द डिस्टर्बेंस ऑफ द और एपिसोडिक नॉक्टर्नल इवेंट। पैरासोमनिया क्या है? दैट इज द डिसफंक्शन ऑफ द एपिसोडिक नॉक्टर्नल इवेंट अकॉर्डिंग विद स्लीप, स्लीप पेजेस एंड द पार्शियल अर्जर। मोस्ट पैरासोमनिया आर कॉमन इन द चाइल्डहुड व्हिच मे बी पर्सिस्ट इन द एडल्टहुड। पैरासोमनिया मीन्स डिसफंक्शन ऑफ द एपिसोडिक नॉक्टर्नल इवेंट, मतलब ये नॉक्टर्नल इवेंट का जो एपिसोड चल रहा है उसमें जो ये प्रॉब्लम होता है। सो हम लोग पैरासोमनिया की जो बात कर रहे हैं, दीज आर ऑल स्टेज फोर स्लीप डिसऑर्डर। तो स्टेज फोर तो पता चल गया आपको, ये जो स्टेज फोर स्लीप, ये लगभग हमको आने में ऑलमोस्ट इट टुक्स 40 to 45 मिनट के आसपास, मतलब 90 मिनट के पहले तो हम स्टेज फाइव में घुस ही नहीं सक रहे। सो दैट इज द पार्ट दैट इज नोन एज द स्टेज फोर स्लीप डिसऑर्डर। स्टेज फोर स्लीप डिसऑर्डर में पहला इंपॉर्टेंट जो बीमारी है, पहला बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, हम लोग बहुत दिन से आज तक बोलते आ रहे हैं लेकिन कभी हम लोग समझ ही नहीं पाए ये किस स्टेज का प्रॉब्लम है, दैट इज सोमनाम्बुलिज्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीप वॉकिंग। सो आज एटलीस्ट इतना सबको पता हो जाए, इतना एटलीस्ट सबको मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं सबको ये कहने का कोशिश कर रहा हूँ, स्लीप वॉकिंग जो होता है, सोमनाम्बुलिज्म होता है, ये नींद का प्रॉब्लम नहीं है, ये नींद का बीमारी का प्रॉब्लम नहीं है, नींद का बीमारी का प्रॉब्लम इन द ब्रॉड टर्म, ब्रॉड टर्म में नींद का बीमारी का प्रॉब्लम है, बट एज ए स्पेसिफिक दिस इज द स्टेज फोर स्लीप डिसऑर्डर। हर स्टेज का नहीं, स्टेज वन उसका ठीक है, स्टेज टू ठीक है, स्टेज थ्री ठीक है, स्टेज फोर ठीक है, बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन द स्टेज फोर। एंड आवर होम्योपैथी मेडिसिन इज सो 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 परफेक्ट, सो क्रूशियल कि हम स्टेज फोर पे जाके उसको एक्यूरेटली हम लोग उसको हिट करके उसका करेक्शन कर सकते हैं। दैट्स नेवर पॉसिबल इन द मॉडर्न मेडिसिन। व्हाई? बिकॉज आप हर कोई साइकेटिक का बीमारी देख लीजिए सर, हर कोई साइकेटिक का बीमारी दवा देख लीजिए, लॉट्स ऑफ द ड्रग्स दे आर बेसिकली नींद आ जाना, ऑल द टाइम दे आर स्लीपिंग ड्रग्स, सोता है नींद आ जाता है, सोता है नींद आ जाता है। तो इतना नींद आने का दवा क्या है? डिप्रेशन का आप दवा देख उठा के देख लीजिए क्या आता है, अलग दवाई, आधा दवाई जो होता है दैट कम्स अंडर द प्रॉब्लम ऑफ द डिप्रेशन, दैट इज स्लीप मेडिसिन। जितना भी पेशेंट मेडिसिन ले रहा है, एंटी डिप्रेशन ड्रग ले रहा है, सब में नींद बहुत ज्यादा हो रहा है, सब में, जितना भी दे, हर केस में उन लोगों का जितना भी पार्ट है बहुत ज्यादा वेराइटी नहीं है। डेफिनेटली डेफिनेटली मॉडर्न मेडिसिन में बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, डे बाई डे बहुत रिसर्च हो रहा है, बट आवर होम्योपैथी दो इट्स 200 ईयर्स ओल्ड, बट इट्स सो स्पेसिफिक, सो एक्यूरेट, आवर मास्टर हैनीमैन स्टेज नाउ एंड देन। आज क्या हो रहा है, मॉडर्न मेडिसिन इसको एक्सेप्ट कर रहा है, पर देखिए हम लोग मॉडर्न वर्ड तो दे दिए, मॉडर्न मतलब होता है क्या, एकदम आधुनिक जिसको हम लोग बोलते हैं, और 200 साल पुराना एक एक चीजों को ये चीज बोला। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू थिंक, मैं क्या करने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, जो जितना समय हमको मिला है, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम मॉडर्न मेडिसिन को अच्छे से जान रहे हैं, एंड व्हेन एवर वी नो द मॉडर्न मेडिसिन देन आई कैन कोरिलेट विथ साइकेट्री, आई कैन कोरिलेट विथ मेट्रिया मेडिका। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द साइकेट्री, हम लोग का जो मेट्रिया मेडिका किताब है, मेट्रिया मेडिका किताब में एक लाइन लिखा है सोमनाम्बुलिज्म। मेट्रिया मेडिका जो किताब है, हमको पता नहीं कितना टाइम हो गया, हमको पता नहीं, बस हमको थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। तो मेट्रिया मेडिका जो किताब है, मेट्रिया मेडिका में किताब में एक लाइन लिखा है सोमनाम्बुलिज्म, दिस ड्रग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्लीप वॉकिंग। तो आपको पता ही नहीं है ये स्टेज फोर डिसऑर्डर स्लीप डिसऑर्डर है, तो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द डीप ऑफ दिस वर्ड। उस एक वर्ड को समझने के लिए, उस सोमनाम्बुलिज्म के एक वर्ड को मेट्रिया मेडिका समझने के लिए यू हैव टू नो द साइकेट्री, एंड दैट इज इन द बीएचएमएस लेवल, बिकॉज ये जो साइकेट्री है बीएचएमएस लेवल पे आपको सिखाएगा। जब तक आप उस वर्ड्स को नहीं समझेंगे यू कांट अंडरस्टैंड दिस मेडिसिन। आपको पता ही नहीं है सोमनाम्बुलिज्म नींद में चलना, इट्स नॉट, इट्स स्टेज फोर स्लीप डिसऑर्डर। और उस स्टेज फोर को समझने के लिए आपको स्लीप डिसऑर्डर स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री स्टेज फोर एक एक वर्ड को आपको समझना है। एनीवे, स्लीप वॉकिंग सोमनाम्बुलिज्म, द पेशेंट कैरीज आउट ऑटोमेटिक मोटर एक्टिविटी दैट रेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ही मे लीव द बेड, वॉक एंड लीव ऑल्सो द हाउस। वो घर छोड़ के पेशेंट चलते चलते जा सकते, उसको कुछ याद ही नहीं रहता है, दैट इज द स्टेज फोर स्लीप डिसऑर्डर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्लीप टेरर और नाइट टेरर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेवर नॉक्टर्नस। दिस पेशेंट इज यूजुअली गेट अप स्क्रीमिंग, नींद में बहुत सा टाइम हम लोग रूब्रिक लेते हैं ना, चिल्ला चिल्ला के पेशेंट उठता है रात में, सोते सोते चिल्लाता है रात, अचानक चिल्ला उठता है। So this comes under also stage 4 sleep disorder,
जिस ऑटोमेटिक अराउजल, इसमें क्या होता है, टैकीकार्डिया होता है, स्वेटिंग होता है, हाइपर वेंटिलेशन होता है, एंड रियली रिकॉल द पेशेंट एपिसोड ऑफ अवेकनिंग, क्यों वो पेशेंट जगा था उसको रियली वो कैन रिमेंबर दिस थिंग्स। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज स्लीप रिलेटेड एनुरेसिस, दैट इज बेड वेटिंग, दैट इज कम्स ऑल्टर द स्टेज 4। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, नींद में लोग दांत खिटखिटाता है, दिस टर्म इज नोन एज ब्रॉक्सिज्म। ब्रॉक्सिज्म ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टीथ ग्राइंडिंग। कीरा है, वार्म इंफेक्शन एक तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन सिर्फ वो नहीं, तो ये किस प्रॉब्लम का पार्ट है, दैट इज द स्टेज 4। द पेशेंट हैज एन इनवॉलंटरी एंड फोर्सफुल ग्राइंडिंग ऑफ द टीथ ड्यूरिंग स्लीप। नींद के टाइम में क्या होता है, मरीज जाके बोल रहा है कि डॉक्टर साहब ये जो पेशेंट है ना, ये रात में क्या होता है, ये दांत को किटकिटाता है। सो यू हैव टू कैटेगोराइज इसको, क्या बीमारी, इस बीमारी का नाम क्या है, ये क्या स्लीप के फेज है, दैट इज द स्टेज 4 स्लीप। और अगर आपके होम्योपैथी टोटलिटी ऑफ सिलेक्शन से, अगर आपके होम्योपैथी दवाई से वो पेशेंट ठीक हो सकता है, तो दैट मींस यू आर क्योरिंग द लेवल ऑफ स्टेज 4 स्लीप डिसऑर्डर। अनटिल दिस हैपेंड इन द स्टेज 4, अनटिल अनलेस ये स्टेज 4 का बीमारी आपको पता नहीं है, तो आपको लगा क्या हुआ, मैंने तो बस दांत की तरह ठीक कर दी, नहीं, यू हैव टू नो दिस थिंग्स, आपको जानना है। और आप जब जानिएगा तब आपको पता चलेगा आप किस लेवल का, कितना अच्छे से होम्योपैथी मेडिसिन देखिए, पॉइंट को इतना अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लीप टॉकिंग, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं सोमनीलोक्वी, इसका रिपीटेड रूपरेखा है सोमनीलोक्वी। आपने सोमनीलोक्वी ले लिया, स्लीप टॉकिंग ले लिया, बट दिस पेशेंट टॉक्स ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ 3 एंड 4 ऑफ द स्लीप, बट डस नॉट रिमेंबर एनीथिंग। इसको याद ही नहीं रहता इसने क्या बोला, ये बस बोलते चला गया, नींद में बड़बड़ा रहा है, नींद में बड़बड़ा रहा है। So that is also come under the heading of the stage 4 sleep disorder. These disorders are often coexistent. Very important line. ये मैंने जो stage 4 जो कर रहा हूँ, ये क्या होता है, वो कोई कोई बोलता है सर ये तो, ये जो अर्ली मॉर्निंग जो ये होता है ना, कि पहले इसका जो एन्यूरेसिस हो जाता है, रात में जल्दी सोते ही इसका जो ये प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये तो सर ये सोने के बाद हो जाता है, रिपेटिटिव में बहुत सारे ड्रग में देखे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट इज that these disorder often coexistent as they occurs during the stage 3 and the stage 3, they are more common during the first one third of the night. This is more NREM sleep in the first third of the night, while the last third has more REM sleep. So pehla jo raat ka jo ek third hai, जहाँ पे क्या होता है ज्यादा, मैंने फिर बोला कि स्टेज 5 जो आता है, मतलब जो सपना रिलेटेड बीमारी जो आता है, वो 90 मिनट, मतलब सोने के 1.5 घंटे बाद ही आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। जो ज्यादा जो आता है वो किस में आता है, दैट फर्स्ट वन थर्ड ऑफ द स्लीप, दैट इज नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। और जितना भी ये सब जो घट रहा है, ये बेड वेटिंग करना, सोमने लोग, ये पहला 1.5 घंटे के अंदर ये चीजें घट जा रहा है। सो दिस टाइम क्या होता है, दैट इज अ नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दीज आर ऑल स्टेज 3 स्टेज 4 डिसऑर्डर। ट्रीटमेंट, दैट इज अ बेंजोडिएज़ेपाइन, हम लोग होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। सो दे आर कॉमनली दिस टाइप ऑफ ड्रग्स, दिस इज द स्टेज 4 स्लीप डिसऑर्डर। अच्छा, अदर स्लीप डिसऑर्डर में नाइटमेयर में एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं, देखिए अभी तक तो मैंने क्या बोल रहा था, अभी तक मैं सारा बातें कर रहा था नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अब मैं जिस चीज का बात कर रहा हूँ अदर स्लीप डिसऑर्डर में, दैट इज रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक लाइन में बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रीम एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ड्रीम वर्ड उसके साथ क्या जुड़ रहा है, एंग्जाइटी, मतलब एंग्जाइटी के साथ ड्रीम्स का रिलेशन है डिसऑर्डर। लेकिन ये कब में होगा, these all things come under not stage 4, these are not parasomnia, these are other sleep disorder, matlab these are all stage 5 sleep disorder, stage 5। and isme kya hota hai, this is characterized by the fearful dreams occurring most common in the last one third of the night of the sleep, last one third, so not in first one third, first one third that is stage 4 sleep disorder, these have come under the heading of the parasomnia। but jo sapna dekh raha hai, एंग्जाइटी जो सपना जो जुड़ रहा है, एंड दैट सपना से वो, मतलब उसको सपना याद है, ऐसा ऐसा घट रहा था, मैं फ्राइट हो रहा था, हमको सब याद है, तो ये क्या हो रहा है, ये लेट नाइट स्लीप में आता है। तो ये जो स्लीप साइकिल है, देखिए जानने के लिए नहीं है तो कुछ भी नहीं जान सकते, सपना में हो रहा है कि क्या हो रहा है, हमको क्या फर्क पड़ता है, हम लोग होम्योपैथी टोल देंगे। बट अगर आप उस कंडीशन को क्योर कर सकते, तो ये आपको महसूस होगा कि किस गहराई तक, व्हाट एवर यू थिंक्स हैव टू नो इन द डीप, वो गहराई कि कितना डीप लेवल तक होम्योपैथी में मेरे दवा को किस लेवल तक मैंने काम किया। जब तक आपको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन या मॉडर्न मेडिसिन जब तक डेप्थ नॉलेज नहीं रहेगा, तब तक हमको लगते हैं कि हम लोग, और स्पेशली साइकेट्री पार्ट पे, क्योंकि ये इसका तो बीएचएमएस लेवल का जो प्रॉब्लम है, मैं इसको डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन हमको जो लगता है कि इसका एक्चुअली स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि बीएचएमएस में साइकेट्री से बहुत कम सवाल आता है,
लेकिन क्लीनिंग में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन क्वेश्चन जहाँ पे नहीं आता है स्टूडेंट वहाँ पे कहीं नहीं पढ़ता, क्योंकि इसका क्वेश्चन नहीं आता है। 5 10 नंबर 20 नंबर का साइकेट्री का क्वेश्चन नहीं आता है, तो दिस इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। साइकेट्री है सिलेबस में तो सब कुछ है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स वेरी वेल, बिकॉज आप मेट्रियमिंग में ड्रग पड़ा है पैरासोमनिया, आप मेट्रियमिंग में ड्रग पड़ा नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लिप, लेकिन उसका तो कोई इंपॉर्टेंस अब जब तक नहीं आएगा तब तक आप इसका डेप्थ आपको समझ में नहीं आएगा। सो दिस इज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द टुनाइट ट्रेडर्स व्हिच ऑकर्स अर्ली इन द नाइट, दे आर बेसिकली द स्टेज फॉर एनआरडीएम डिसऑर्डर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रीटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ना स्टेज वन का ना अंडरलाइन कंडीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर कोई पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म से, मैं मॉडर्न मेडिसिन बात करूं, अगर कोई पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म जिसको है, हाइपोथायरॉयडिज्म से उस पेशेंट को क्या हो रहा है, एक्सीडेंट, तो आई हैव टू करेक्शन द थायराइड लेवल अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न मेडिसिन, नॉट इन द होम्योपैथी, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न मेडिसिन उसका थायराइड, तो आई हैव टू अंडरस्टैंड इन द मॉडर्न मेडिसिन आपको बीमारी का जड़ क्या है, उस जड़ तक पहुंचना है, और अगर जब तक आप ये जड़ में पहुंचे गए तब आप लोग क्लियर कर सकते हैं उस पॉइंट को। सो दिस इज द थिंग जो आज मैंने डिस्कशन करने का कोशिश किया। सो आज मैंने स्पेसिफिकली मतलब स्लीप डिसऑर्डर के बारे में, जो स्लीप डिसऑर्डर जो मेरा टॉपिक था, अगली दिन अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं इसका होम्योपैथी मैनेजमेंट दिखाऊँ, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो आज मैंने ओवरऑल एक व्यू आइडिया देने का कोशिश किया, मैं अपने हिसाब से अपना कोशिश किया समझने का, समझाने का कि ये स्लीप का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होता है, स्लीप डिसऑर्डर कितना बड़ा है। रात में नींद ना आना या अधिकतर नींद आना, ये दो लाइन मरीज जो बोलता है इसमें कहानी खत्म नहीं होती, इसके कहानी का शुरुआत है। लेकिन तब भी आप इस कहानी का शुरुआत को पहचान जाइएगा जब आप एक एक स्लीप डिसऑर्डर को गहराई से पहुंचिएगा। अगला दिन अगर कभी मौका मिलेगा सर के सेमिनार में, इसके साथ क्या रेपर्टरी का रूब्रिक आता है, क्योंकि 1 घंटे में तो मैं पूरा तो ओवरऑल कवर अप नहीं करिए, मेरा ही गलती है कि मैं पूरा चीज को उतना जोड़ नहीं पाया सबके साथ, लेकिन इसका भी मैं, इसका रूब्रिक, इसका रिपर्टरी, इसको कैसे ये ठीक हुआ, कभी किसी केस के साथ मैं जरूर आगे मौका मिलेगा तो डिस्कशन करूंगा। तो फिलहाल मैं सर को हैंड ओवर करना चाहता हूँ, अब सर बाकी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बिना सर के गाइडेंस में आज तक ना कुछ हुआ है ना क्या हुआ है। तो कभी कोई डिसऑर्डर में अगर सब लोग जो लोग सुन रहे हैं मेरा बातों को, हमको पता नहीं कितना दूर तक मेरा पहुंच पा रहा है, एंड वंस अगेन थैंक्स टू सर के मतलब इट्स अ इंस्पिरेशन, आवर सर इज अ वेरी मच इंस्पिरेशन। आज नहीं, क्योंकि ये इंस्पिरेशन इसलिए है क्योंकि आज भी ये जो IFPs का टॉक्स का जो इतना कंटिन्यूअस वेबिनार जो चल रहा है, एकदम स्पेसिफिक टाइम मैं एज ए स्पीकर आपको बोल रहा हूँ, हम उतना ज्यादा प्रिपेयर, हमको डर के मारे सर के लिए हमको प्रिपरेशन करना पड़ता है कि सर का फोन आ जाएगा क्या, तुम्हें फिर भी तो मैं तो अभी स्लाइड दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे लिए एक तो प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उसको कोशिश करूंगा जल्दी ठीक करने के लिए। लेकिन ये जो टेनासिटी सर का इस एज तक है सर, हैट्स ऑफ टू यू, आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। बाकी मैं सर के ऊपर आगे डिस्कशन करने के लिए छोड़ रहा हूँ। थैंक यू ऑल माय ऑडियंस जो मेरा आवाज को जितना दूर तक सुन पा रहा है। थैंक यू डॉक्टर अभिनंदन, थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन। आप इसको हटा लीजिए आप, हाँ आपकी बिल्कुल बिल्कुल हाँ स्लाइड को हटा लीजिए भैया। तो बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल अभिनंदन जी, आपने जो अभी डिस्क्राइब किया, बेसिकली आपने डिजॉर्डर्स को इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया है, मैं तो समझ रहा था कि ये शायद आप कुछ मेडिसिन का पता, लेकिन ये बात को जानना हम लोगों को बहुत जरूरी होता है। जो कि स्लिप का जो आप एनालिसिस किया, स्लिप का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को बताया, कैसे कैसे स्लिप्स में जाते हैं और किस स्टेज में क्या हो सकता है, अगर इसको हम लोग समझते हैं तो दवा को सिलेक्ट करने में निश्चित रूप से इसको इफेक्ट करता है। किसी ने सवाल किया है कि दवा क्या होगा, मैंने दवा, आज आपने सही कहा कि आज के लेक्चर में आप दवा नहीं बता सकते हैं, है ना, क्योंकि आपने एकदम अभी बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट पार्ट को अभी टेकअप नहीं किया। टच नहीं ट्रीटमेंट किया। पार्ट हाँ में हाँ जब जाएंगे तो हम लोग इसको दवा के विषय में चर्चा करेंगे। तो जो जिन्होंने भी यह सवाल किया है कि दवा के इसकी क्या होगी, तो मैं कहूँ उनसे यह कहूँगा कि इंतजार कीजिए, हम लोग फिर एक इसका ट्रीटमेंट पार्ट को जब ये डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको मेडिसिन का रूब्रिक्स भी बताएंगे और ट्रीटमेंट भी बताएंगे। लेकिन आज जो हम लोगों ने समझा वो है, इन्होंने दो स्टेज में बताया, एक रैपिड मैंने आई मूवमेंट डीप, हाँ रैपिड आई मूवमेंट, और एक जो इसमें बताया उसके बाद पांच स्टेजेस में। हम लोग सोचते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि कुछ लोग पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो नींद जाते जाते हैं बिछौन पर तो नींद आती ही नहीं है। हाँ नींद आती ही नहीं है और बहुत देरी के बाद में, 1 घंटा के बाद में आता, तो क्या दिक्कत है। अभी तो अभिनंदन जी ने बताया कि उसको आने ही में समय लग जाता है उतना,
एक घंटे के बाद में नींद आ गई तो आपको स्लीप डिजॉर्डर तो है नहीं ना, है उसको हम एकदम स्लीप डिजॉर्डर नहीं कहेंगे क्योंकि वो आ गया नींद। एक है कि आपको एक फ्लाइट में हम लोग जब बाहर जाते हैं दूसरे कंट्रीज में तो वहां भी एक स्लीप जेटलैग एक्चुअली प्रॉब्लम आता है, जेटलैग सिंड्रोम आता है। तो जेटलैग सिंड्रोम में क्या होता है कि हम लोग वहाँ का टाइम जोन अलग है, हमारा टाइम जोन अलग है, और हम उससे जब मैच करने लगते हैं तो कहते हैं कि हमको नींद नहीं आ रही है। तो ये जेटलॉग है, ये भी ना बीमारी नहीं है। आप धीरे एकदम धीरे जब एडजस्ट कर जाएंगे तो जेटलॉग सिंड्रोम को, उसको कहते हैं लोग इसके लिए दवाई दीजिए डॉक्टर साहब, तो दवा देने की जरूरत नहीं होती है, वहां पर उसको एग्जैक्टली समझाने की जरूरत होती है। काउंसलिंग एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेडिसिन जो है सब्जेक्ट ऑफ मेडिसिन है, ये केवल दवा ही देना नहीं है, है ना। रोगी को अगर आप सबसे बेस्ट मेडिसिन किसको कहा जाता है, जो दवा सबसे बेस्ट मेडिसिन उसको कहा जाता है जहाँ कि आप बिना दवा दिए हुए रोगी को समझा दें जिससे कि वह अपना खुद का खुद इलाज कर ले, है ना, खुद का खुद समझ जाए। तो समझदारी सबसे बेस्ट मेडिसिन लाइफ का कहते हैं हम लोग पेशेंट का, कि उसको समझ जाए, और अगर समझ गया तो सारा बीमारी खत्म हो गया। अगर उस पेशेंट को हम बता दिए कि तुमको 1 घंटा तो आपको नहीं आता है, एक बूढ़े आदमी को कहता है कि हम बहुत कम सोते हैं, 4 घंटा सोते हैं, तो क्या कम सो रहे हो आप तो पूरा सो रहे हो, आपको बिल्कुल तो अब बिल्कुल बिल्कुल पूरा जिंदगी सो बिल्कुल ही लिए, अब तो सोने के जागने का समय, थोड़ा सा जाग के दुनिया देख लो, बाकी दुनिया तो देखना पड़ेगा ना, है ना। बाकी बाकी तो आपको फिर परमानेंट स्लिप में जाने वाले हो, तो परमानेंट स्लिप के जब जब आए थे तो सोए हुए आए थे और बहुत देरी तक सो रहे थे, 18 घंटा 17 घंटा सो रहे थे, और उस समय चूंकि सोए हुए अवस्था से आए थे, अब जाने की बारी आई है तो थोड़ा सा अपने लाइफ को एंजॉय कर लो जाग करके, है ना, जाग करके आप अपने आप को एंजॉय कर लो, ये अच्छा मौका है। तो बातों को ये हम लोग तो रोगी को ऐसे ही समझाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे तो रात को 3 4 घंटा 5 घंटा सोते हैं, हम लोग की अच्छा ठीक है 5 घंटा सोते, आपकी उम्र कितनी है, तो जब हाँ वो एग्जैक्टली उम्र बताते, एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट एग्जैक्टली हाँ, तो उसमें हम लोग कहते हैं एग्जैक्टली कि देखो ये आपका बीमारी नहीं है, अब बहुत आप सो लिए, अब थोड़ा सा जाग के दुनिया देखो, है ना, दुनिया देखो, किताब पढ़ो, आप बाकी समय को अपना जो आपका आप फेयरवेल होने वाला है दुनिया से उसको देखो, मतलब फेयरवेल भी तो हम लोग को इंतजार करना है ना। तो इसको चीज को समझने का बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कि आज हमको लगता है कि अभिनंदन जी के इस लेक्चर से मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने जो इस चीज को बताया है एक बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो अभिनंदन जी एक बहुत ही होनहार छात्र मैं कहूँगा, क्योंकि मैं इनको छात्र काल से पहचान रहा हूँ, और इन्होंने जो मैंने हम जीडी मेमोरियल में जो हम लोगों के साथ में जो इन्होंने समय बिताया था वह काफी महत्वपूर्ण समय इनका था, और जहाँ की इनको मैंने इनको समझने का कोशिश किया और समझा और देखा कि ये आदमी ये लड़का जो है सो काफी सोचने का और चिंतन करने के इसके अंदर में एबिलिटी है। एक डॉक्टर का जो क्राइटेरिया क्या होता है, डॉक्टर इज नॉट ए मैन दैट कि आप गए और ओवर द काउंटर के जैसा दुकानदार के जैसा दवा बता दिए, वो डॉक्टर मैं उसको कहता ही नहीं हूँ, क्योंकि तो आप तो दुकानदार हो गए, आप अपना अथी से स्टॉक से दवाई निकाला दे दिया। डॉक्टर उसको कहते हैं जो कि बात को समझता है, समझने के बाद में है सोचता है, और सोच करके एनालिसिस करता है, एनालिसिस करके तभी दवाई को हम लोग दवा डॉक्टर कह सकते हैं, है ना। तो सभी से हम लोग के पास में 2 मिनट का है, अगर किन्हीं को कुछ कहना हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ ये मत पूछिएगा कि आपको दवा क्या होगा, दवा छोड़ करके पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आएंगे वो दवा का भी से लेक्चर में हम कभी हाँ मौका हम लोग मिलेगा तो हम बताएंगे। नेक्स्ट टाइम में इसको टेकअप करेंगे, मेडिसिन पार्ट को भी, स्लिप डिजॉर्डर्स का, इन्होंने आज स्लिप डिजॉर्डर्स को एनालिसिस किया है, इसको आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। और कोई सवाल हो इससे रिलेटेड, मैंने इतने से इसमें सबको बहुत धन्यवाद। सब लोग बहुत टाइम से सुना, बहुत सारा स्क्रीन अच्छा पे क्वेश्चन आ रहा है। अभिनंदन जी, किसी ने एक सवाल किया था कि फर्स्ट स्टेज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, हाँ हमारे पास में 1 मिनट का हाँ समय है, आप उसमें बता दीजिए। सर, सबसे पहला बात है कि स्लीप का जो स्टेजेस है वो 5 स्टेजेस होते हैं हम लोग समझे। इसमें स्टेज वन जो है दैट इज द ट्रांजिशन पीरियड, मतलब आप जब सोने गए, सोने से आपका जो स्टेज टू है मतलब पहले आप नींद में गए हैं और उसको आने में, नींद आने में जो टाइम लग रहा है
स्टेज वन से स्टेज टू जाने में जो टाइम लग रहा है, दैट इज द फास्टेस्ट। मतलब आप सोए हैं और हल्का नींद में आप गए हैं, मतलब जागते जागते जब आप बेड पे लेटे उसके साथ हल्का नींद जब आपको वो आ रहा है, दैट इज द कंप्लीटली पार्ट ऑफ द स्टेज वन। इसमें क्या फर्क होता है, दिस इज पार्ट अंडर कम्स ऑन द नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। मतलब इसमें आपका आंख बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करता है, बस पहला 5 मिनट के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट, मैं स्लीप स्टेजेस को क्यों बताया, पहला 5 मिनट के अंदर आपको स्टेज वन खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन 5 मिनट के अंदर आपको नींद नहीं आ रहा है, मतलब आप हल्का नींद पे नहीं जा रहे हैं, तो दैट मींस कि आपका कोई प्रॉब्लम है। ये एक तो डिसऑर्डर में आ जाता है, दैट इज द स्टेज वन डिसऑर्डर। सो दैट इज द प्रॉब्लम नॉन, मतलब सोने के टाइम 3 घंटे लग गया मेरा पहला नींद आने में, तो दैट इज एबनॉर्मल। एंड वन थिंग हाँ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है अभिनंदन जी, अब समय हो चुका है और बिल्कुल निशांत जी, आप सर, निशांत टाक जी आप मैं बस हाँ एक 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 लाइन सर आखिरी में बोलना चाहता हूँ, एक लाइन सर। जी जो स्टेजेस है, जितना भी स्लीप डिसऑर्डर है, एक चीज लास्ट में मैं बोलना चाहता हूँ, कम से कम ये जो प्रॉब्लम है इसको डायग्नोसिस करने के लिए 1 महीने तक लगातार ये प्रॉब्लम होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कल मेरा नींद नहीं आया और मैंने आज को इसको इंसोम्निया बोल दी, ये करेक्ट नहीं है, दैट इज द मेन मैसेज। बिल्कुल बिल्कुल ठीक टाइम शेड्यूल, टाइम। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू निशान जी, आप थैंक्स बोल करके सेशन हैंडओवर कीजिए डॉक्टर ये धनेश जी को। थैंक यू डॉक्टर धनेश, नाउ यू कैन स्टार्ट योर सेशन नाउ। ओके, थैंक यू डॉक्टर।